दोस्तों अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो पहली बार और साइनअप करते हो तो उस टाइम साइनअप कोड ABStudy10 या फिर रेफरल कोड यूज़ करते हो, यानी जब आप कोई कोर्स लेते हो तो वहाँ पर भी ABStudy10 को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अशोका बैच जो कि NDA स्पेशल बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 90 डेज़ का कोर्स है, 16th of December से शुरू हो चुका है और 16th of March तक इसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अचीवर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है NDA के लिए, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 90 डेज़ का कोर्स है और ये 23rd of December से लेकर के 23rd of March 2021 तक चलने वाला है, तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आना और कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करना जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो 12 मंथ वाला बहुत अच्छा है और इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक रेफरल कोड जो कि ABStudy10 है उसे यूज़ करना और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आपको फाइनली प्लस मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो गूगल प्ले, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अभी शुरू करते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। गाइज अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना होता है। चलिए सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू असेस द नेशनल इनकम इन इंडिया? सरदार पटेल, महल नोबिस, दादा भाई नरौजी और VKRV राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नरौजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने 1867-68 में, ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम जो होती है, प्रति व्यक्ति आय, वो 20 रुपीज बताई थी। उस टाइम पे इन्होंने जब आकलन किया तो उन्हें 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम था हमारे देश का, पता चला था उन्हें, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इन्होंने ही किया था, तो किसने? दादा भाई नरौजी ने, दादा भाई नरौजी ने पहली बार किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण और उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी पर। ये जितने भी हैं, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन सभी पर किसी देश का आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो निर्भर करता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीन नंबर है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये जो सवाल है गाइस, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है हमारे न्यूयॉर्क, जिनेवा, उरुग्वे और दोहा। आई होप कि आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनेवा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगला सवाल, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय हुम? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो गाइज करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल की जाती है। RBI के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात और कोट्टालम प्रपात।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जोग प्रपात जो है, जोग फॉल्स जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। और ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में सरबती नदी है, का सरबती नदी, ये सरबती नदी के ऊपर स्थित है, कहाँ पे? कर्नाटका में। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका और भी नाम है, जोग भी बोला जाता है इसे, गरसुप्पा भी बोला जाता है, या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, गरसुप्पा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गरसुप्पा, जोग या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट इन जूट प्रोडक्शन? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है, ये जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है, सबसे प्रचुर राज्य है, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट इन जूट प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद पाक स्टेट? पाकिस्तान एवं चाइना, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत तथा श्रीलंका जो है ये पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश? भारत तथा श्रीलंका। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड अ राइस बॉल? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है 2020 में इसने ऐसा काम किया, इतना ज्यादा चावल उत्पादित किया कि इसे अब राइस बाउल बोला जाने लगा। इससे पहले ये जो था नाम आंध्र प्रदेश को दिया जाता था, किसे? आंध्र प्रदेश को दिया जाता था, लेकिन अब तेलंगाना ने वो छीन लिया है आंध्र प्रदेश से, और अभी तेलंगाना को राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? वेयर वॉज द न्यूक्लियर बम थ्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो और हिरोशिमा। आई होप कि इसमें किसी को डाउट ना हो, ये सवाल सभी को पता हो, क्योंकि ये सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, सबको पता होता है शुरू से ही। तो पहला जो बम, परमाणु बम फेंका गया था, वो हिरोशिमा पर फेंका गया था। ठीक है, हिरोशिमा जापान, जापान में है ये, और वहां पर फेंका गया था। यूएसए ने ये बम ड्रॉप किया था जापान के ऊपर, जापान के हिरोशिमा शहर पर यहीं पे फेंका गया था। ये बम फेंका कब गया था ये जान लो, ये जो बम है ये 6 अगस्त 1945 को, सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, दूसरा जो विश्व युद्ध था, उसी के टाइम पे फेंका गया था। और टाइम उस टाइम था 8:15, सुबह के 8:15 हो रहे थे, उसी टाइम पे हिरोशिमा पर फेंका गया था। अगला सवाल, ओजोन परत कहां पाई जाती है? वेयर इज द ओजोन लेयर फंड? आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समताप मंडल में। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से यहाँ आए, तो इन्होंने ही इनको सही रास्ता दिखाया, सही चीज़ें इनको दिखाई, सही मार्ग प्रशस्त किया इनके लिए, इसीलिए इनको, गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? टू हूम इज द टर्म डेसिबल रिलेटेड? वायु,
भूमि, ध्वनि और जल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि। ध्वनि के माप में ये काम आता है, डेसिबल इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित शब्द है डेसिबल। किससे रिलेटेड है डेसिबल? ये रिलेटेड है साउंड से, साउंड से रिलेटेड है डेसिबल, याद रखिएगा। अगला सवाल, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कहाँ पे थी? अंग महाजनपद, अंग महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो एक बार रिसर्च जरूर करना, बहुत अच्छी चीज है, इसे रिसर्च करना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती और चंपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपा। चंपा नगरी के नाम से इसे जाना जाता था और ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चंपा नगरी वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपदा। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा नगरी या फिर चंपा थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द पीस वैली लोकेटेड? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरला में। शांत घाटी जो है, पीस वैली जो है, ये कहां पे है? ये केरला में स्थित है। ठीक है, द पीस वैली इज लोकेटेड इन केरला, याद रखिएगा, केरला में ये स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टी सुनामी? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण और समुद्री सतह पर भूकंप। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप जो है, यही मेन कॉज है टी सुनामी का, सुनामी का। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ टी सुनामी इज अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस। अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस यानी समुद्री सतह पर भूकंप। गाइस बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारा 16 नंबर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में, और इसे CDRI CSIR के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग रिसर्च करिएगा एक बार और देखिएगा कि क्या वजह है ये दो नामों के पीछे, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? Who developed the Human Development Index, HDI? अमर्त सेन, मोंटेक सिंह, महबूल उल हक और फ्रीडमैन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी महबूब उल हक जो है, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किया था। आप देखते हैं कि कई देशों का जो निकाला जाता है इसमें कि सूचकांक कितना है, कौन सा देश किस नंबर पर है, ये मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने विकसित किया था। महबूब उल हक डेवलप दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अभी भारत का स्थान क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला सवाल, कृषि उत्पादकों की कोटी किस प्रकार निर्धारित की जाती है? हाउ इज द रैंक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स डिटरमाइंड? ISI, हरित उत्पाद, एगमार्क, पारिस्थितिकी उत्पाद। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एगमार्क के द्वारा। ये एगमार्क जो है, इसके द्वारा जो कृषि उत्पादक होते हैं उनकी कोटी निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादकों, कृषि उत्पादों की जो कोटी है वो इसी के द्वारा, एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? इन विच ईयर वॉज द मिनिमम वेज एक्ट अप्रोव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 1947 में, 1948 में, 1950 में और 1951 में। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में जो है ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत हुआ था भारत में पहली बार। ठीक है, अगला सवाल, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? एडवर्ड जेनर, एफ बांटिंग,
एस ए वैक्समैन और रोनाल्ड रॉस। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एफ बांटिंग जो है इन्होंने ही इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन का आविष्कार इन्होंने ही किया था, किसने? एफ बांटिंग ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अमेरिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? वास्को डी गामा, अमुंडसेन, कैप्टन कुक और कोलंबस। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक शहर। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। किसके नीचे? सॉरी, किसके किनारे? गोदावरी रिवर के, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फ्रॉम हुम इज पेनिसिलिन ऑब्टेंड? फफुंद, जीवाणु, वायरस और शैवाल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फफुंद। फंगल जो है इससे ही पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। द पेनिसिलिन ऑब्टेंड फ्रॉम फंगल्स। अगला सवाल, पित्त का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाइल? पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी और यकृत, यानी कि लीवर। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत। लीवर जो हमारा है यही पित्त का स्रोत है। किसका? पित्त का स्रोत जो है ये हमारा यकृत यानी कि लीवर है। ठीक है गाइस, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड टू एयर मिसाइल? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस और सागरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिशूल जो है ये भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल इज अ लैंड टू एयर मिसाइल। क्या है? लैंड टू एयर मिसाइल। ठीक है, यानी कि भूमि से वायु में जाने वाली ये मिसाइल है। कौन सी? त्रिशूल। तो ये 25 क्वेश्चंस थे आज के हमारे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस एक और चीज बता दूं कि अगर इन सवालों को आप कर लेते हो जो सीरीज में ये करवाने जा रहा हूं, तो आपका जो जीके का सेक्शन है ये एकदम जबरदस्त वाला हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ जीके की लाइव क्लासेस के लिए, बिल्कुल लाइव क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन करो, जीके स्क्वाड को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपको मौका मिलेगा अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो तैयारी है उसको लाइव डिटेक्ट करने का, लाइव चेक करने का। साथ ही साथ इंस्टा और टेलीग्राम पर ज्वाइन करो मुझे। इंस्टा आईडी आपकी स्क्रीन पर है, टेलीग्राम आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाओ चेक करो और जरूर ज्वाइन करो वहां पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।